बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, हिदमत खल्क एक ऐसा पैशन है जो इंसान को इंसानियत की लामहदूद वैल्यूज़ तक ले जाता है। इंसान को ह्यूमैनिटी के तमाम असूल समझ में आ जाते हैं और इंसान को पता चलता है कि उसके ज़िंदगी में यहाँ ज़मीन पर आने के मकासद क्या हैं और उसे किस तरह से डील करना चाहिए ह्यूमन बींग्स के साथ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं चकोड़ी बिलोवाल में, और जब भी चकोड़ी बिलोवाल का जिक्र हो तो चौधरी कदरदाद साहब का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जब भी चकोड़ी बिलोवाल का नाम आता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी कदरदाद साहब का नाम आता है। चौधरी कदरदाद साहब अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं, आपने अपने इलाके में बहुत बड़ा सामाजिक काम किया है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते हैं, और जहां आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको उनकी मदद की ज़रूरत है, हमेशा हमातन गोश होकर उनके साथ रहते हैं। नाज़रीन इकराम, वो बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, घुड़सवारी करते रहे हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छे नेज़ाबाज भी रहे हैं, और साथ ही साथ उनका जो पेशा था वो खेती बाड़ी था। आइए आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह दा फजल है जी, रब दी रहमत, खैर खरीयत। मेरा सब तो पहला सवाल तुहाडे नाल है वे कि बचपन तो लेके जवानी तक ते हुण तक तुसी जिंदगी दे हर नशेबो फराज नु वेखदे आ, किस तरह वक्त गुजारिया? जनाब मेरा जिंदगी ते पहला बचपन दे जनाब मेरी स्कूल पढ़दे रहे, 5 बार तक स्कूल पढ़े, उस तो बाद खेती बाड़ी करदे रहे जमींदारी, उस तो बाद जनाब करके ते फिर जनाब जिमींदारी दे विच कोई अल्लाह ताला मेहरबानी कीती, उहदे जनाब कोई इजाफा होया। अगर जनाब यूरोप में बंदे जाने शुरू हो गए तो मैं बच्चों यूरोप भेज छड़िया। मेरे हालात वा क्या जोड़े ज्यादा देंदे आए, मेरे को पैसे अल्लाह ताला मैंने को ताक किए, मैं वो पैसे दे के बच्चे यूरोप ढो छे, मेरा एक बच्चा दिखा जरा कैसर बड़ा फैसल फैसल इंग्लैंड कैसर राइट दी बच्चे भी रह गए फैसल तो दो फैसल द्रै बच्चिया एक बच्चा है तो कैसर छोटे दो बच्चे एक बच्ची माशाल्लाह बच्चे ठीक ने उठे साडा कोई नौकरी शौकरियाँ ठीक ने पैसे जैसे साडा गुजारा ठीक है और मैं इसी इतने रह रहे हैं बच्चे ज्यादा इतने ही रहते हैं अभी जनाब बाप मैं अल्लाह का फजल ना मन बचपन के शौक है मेहमान नवाजी था मैं जनाब हूँ तो बिल्कुल मतबातर मेहमान नवाजी कर रहे और जनाब जो सियासी लोग ने इन्होंने जिस बंद ना साथ देता है जरा माफ काज है जनाब जना बेलोह उसकी खिदमत करी दी जनाब मैं अज तक किसी सियासी बंदे को 1 लीटर तेल 1 रुपया 1 दिन रोटी मैं नहीं खाती बेलोह खिदमत की थी और जनाब अगों भी मेरी निगत यही करता रहा मतलब मेरे तला का फजल है। जिमें चौधरी साहब हर इलाके की हालत सूरत हाल होंगी है, तुम मैनू ये दसो कि जिस टाइम थोड़े इलाके जिमें गरीब लोग हो इस समाजी जरा वर्क करना है या समाजी खिदमत करना है ये खिदमत खलक तुसी अपने वालिद को सीखे? मैं जनाब अले मेरे वालिद साहब जो भी मोहतरम जो भी जनाब अच्छे ठीक है जनाब सिखावत करते अपने 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 ताकत के मुताबिक मेरे तो जनाब अल्लाह तला का बड़ा एहसान है बड़ा फल तो करम है मैं जनाब मेरे बच्चे बड़े ने उन्होंने रब दामत ने उन्होंने काम ठीक है मैं जनाब अली बिल्कुल गरीब परवरी करना और रात दिन करना हर वक्त करना ठीक दूजे नंबर जनाब रमजान शरीफ आज जनाब उन्हें करके सखावत करी थी जनाब बिल्कुल मैं 8-8, 9-10 लाख रुपया जरा रमजान शरीफ जनाब मैं गरीबों को देना उस तो बाद जनाब मैं एक कैरी डब्बा जनाब लैके मुंतकिल किए लोग वास्ते जोड़े बंद कोई बंद बीमार हो जनाब तो ड्राइवर रखे है वो फ्री उन्होंने लै जाता शहर हस्पताल मैं जनाब से कुल मुल 800 रुपया वसूल करना बीमार को दूजा सारा खर्चा मेरा अपना तो डब्बा दिता लोग वास्ते जनाब किए और जिस बंद जरूरत हो ड्राइवर टेलीफोन करे उस वे हस्पताल लै जाते। अच्छा मैनू ये दसो कि तुम पहले पीपल्स पार्टी की फिर नून लीग की बड़ी अच्छी कंपेन अपने इलाके की थी है। उस तो बाद हुण तुसी पीटीआई की थी पीटीआई दे नाल तुहाडे की मुतालबात सन? पीटीआई दे नाल नाम ने पीटीआई जिहड़े इन्हां दे जनाब कीते जनाब नून लीग थी पीपल पार्टी थी लोगों का माहौल वेख के जनाब सारा वेख के अवा बेदार होया है असीं जनाब पीटीआई विच आए हां इमरान साहब इमरान खान दल्ला सुन के आए हैं जनाब उ पीटीआई आ गए मैं सू सहूलत मिल जाएगी असं जनाब मेरी बड़ा खासी तौर पर इलेक्शन लड़िया और पीटीआई ने असा कामयाब किया अपने इलाके भी कामयाब होए हैं उस बाद जनाब जिस अभी हो रहे हैं हम जनाब 2 साल हो गए हैं जो होरना लोगों का मैं नहीं पता मैं जरा बंदा कदरदार मैंने कोई चीज़ वसूल नहीं हुई पीटीआई को साडा जनाब एम एन पी सईद फजल हुसैन फजल हसन शाह ने गुलेवाल सईदा तो साढ़े जनाब मेरे चौधरी परवेज रहे जनाब साढ़े पी एम पी ने सू जनाब चौधरी परवेज का बेटा ना चौधरी मोहन सलाई
चौधरी अपना सैयद फैजल हसन शाह साहब के कोलों सानू अज तक कोई शायद वसूल नहीं हुई जहाँ जी दस अज तक कंप्लेन की लोग मेरे को आते हैं काम लैके कहने सू कोई काम करा दो जना मेरे अजे तो मेरा उन्हें कोई काम नहीं किया मैं इंतजार बैठे हाँ नहीं कहने ने करा दे किया कोई ने दो साल गुजर गए चौधरी साहब थोड़ा सियासत तो अट के थोड़ा खेल के मैदान की तरफ जाने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਜਨਾਬ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲ ਮੱਝਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਗਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਡਰਨ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 260,000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਰੇਂਜਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੱਪ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਿਆ अपने आपको पट्ठे पाने आपको अपने सवार सवार तनखा देने तो अपने पजाने अपना शौक है जी लिया अच्छा चौधरी फतेहदीन जेड़े तुहाडे वालिद दे ग्रंथ जी फतेह मोहम्मद सॉरी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਨਸਿਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਮਾਮੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਕੈਸਰ ਮਾਮੂ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਮਾਮੂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਪਿਛਲਾਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਪਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਅੱਛਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਅੱਛਾਈ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਿਤ ਠੀਕ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਨੇ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੋਧ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2,000, 3,000 ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਈਰ ਖਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪੱਖਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜੀ
सब तो ज्यादा तावन कि कीता जे जी सब तो ज्यादा तावन अपनी साडे लोक दे विच मुस्लिम बरादरी है मुस्लिम शेख बरादरी गरीब ने उन्हां नाल कीता है और जिहड़े गरीब लोक विच आए उन्हां नाल भी कीता अल्लाह पाक तुहाडा ये जिहड़ा अमल है कबूल फरमाए आखिर ते मेरा तुहाडे नाल ए सवाल है कि अपने ही इलाके की आवाम नूं तुसीं की मैसेज दिओगे की पैगाम देना चाहोगे उन्हां नूं किस तरह मशवरा किसे किस्म दा दिओगे असीं जनाब मेरे अपने इलाके की आवाम है जिहड़ी जिहड़े साडे बंदे मेहरबान हैं ने जिहड़े साडे नाल जिन्हां दा साडे नाल लै के असीं जनाब उन्हां नूं वादा तौर ते अगे भी दसे है अगों भी उन्होंने दसते रहेंगे असीं जनाब बेरोध खिदमत करनी है जिहड़ी शायद सानूं किहड़ी मिल गई जनाब मेरे किसी अदारे कोलों ओह असीं उन्हां नूं तकसीम करा दे ज्ञानदारी नाल और सलामती नाल साढ़े बाद कसम अल्लाह पाक दी असीं इक राय दे पैसे जिहड़ा सी सानूं कोई लालच नहीं ते ना सखण है मेरे कोल ते असीं बेरोध खिदमत असीं अपने कोलों करने आ ते सानूं कोई तमा नहीं विच कोई चवानी दवानी खानी नहीं इक टैडी पैसा भी नहीं खाना जो कुछ साडे मिलिया साडी किसे खिदमत कीती असीं आवाम दे वाले करते आ तकसीम कर बिल्कुल ठीक जी। तो नासरीन ये थी हाजी चौधरी कदरदाद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलैबोरेशन दिया उन्होंने बहुत अच्छी बातें की उन्होंने समाजी हवाले से उन्होंने कहा कि अपने इलाके में जिस कदर हो सके उन्होंने समाजी काम किया है प्लस उन्होंने साथ ही थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लहजे में ये बात की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी कंपेन की है नून लीग की भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंपेन की है लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और अभी पीटीआई से भी जो उनके मुतालबात थे वो भी जेरे नज़र हैं उनके ऊपर भी कोई जो है अमल दरामद नहीं हो सका ना चौधरी बरादरान की तरफ से और ना पीटीआई की हुकूमत की तरफ से एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह साहब की तरफ से। तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज्जम नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ्फुज और सुकून जंग शोर इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तियाब 25 साल वारंटी और बाद अजां 50 दफा रिसाइकलेबल गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें